जी, मैं हूं बीएस और आप देख रहे हैं बीएस फिल्म्स प्रोडक्शन। और इस लेक्चर में हम जानेंगे लीनियर और बीजियर कर्व लाइन के बारे में। मैं यहां से न्यू प्रोजेक्ट कर लेता हूं और सैंपल के तौर पे यहां से कुछ वीडियोस को हम ऐड कर लेंगे और डायरेक्ट यहां से क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी एक फुटेज है, इसके ऊपर हम माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इफेक्ट कंट्रोल के अंदर इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रही है। मैं इसके इफेक्ट कंट्रोल के अंदर स्केल का एक पॉइंट ऐड कर लेता हूं। ये आप देख रहे हैं पॉइंट एक ऐड हो चुका है और इसको मैं यहां से इस पोजीशन के ऊपर लाके फिर से एक पॉइंट ऐड कर देता हूं। बाय डिफॉल्ट ये जो पॉइंट ऐड हो रहे हैं ये लीनियर ऐड हो रहे हैं। स्केल की लेफ्ट साइड पे आपको एक आइकन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर अगर आप माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आपको ये दो लाइनें दिखाई दे रही हैं। आपको मैंने पिछले वाली क्लास में बता दिया था पॉइंट के ऊपर अपने प्ले हेड को कैसे स्नैप करते हैं, जहां पर आपको पॉइंट ऐड करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसके साथ लेफ्ट राइट साइड पे पॉइंट स्नैप करने के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं यहां से इसको लेफ्ट राइट साइड पे मूव कर सकता हूं। अब अगर हम इस पॉइंट पे लाके इसको थोड़ा सा स्केल कर देते हैं वीडियो को, तो ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन आ रही है। अब अगर इस वीडियो को हम प्ले करते हैं, एकदम से स्टार्ट हो गई जूम होना और एकदम से स्टॉप हो गई। अगर हम चाहते हैं कि इसको हम स्मूथ करें, तो स्मूथ करने के लिए हम किसी भी पॉइंट के ऊपर माउस से राइट क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के ऊपर आपको लीनियर, बीजियर, ऑटो बीजियर, होल्ड, ईज इन, ईज आउट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इस पॉइंट से हमारी वीडियो आउट हो रही है तो मैं इसको ईज आउट कर देता हूं। तो ये आप देख रहे हैं इसकी लाइन की जो शेप है ऐसे कर्व शेप हो गई है। और इसके साथ हमें एक हैंडल भी मिल जाता है, जिस हैंडल को पकड़ के आप इसको जितना मर्जी है मूव कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, मैं इसको फिलहाल कंट्रोल सी कर देता हूं, बाय डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। अब अगर हम इसको प्ले करके चेक करते हैं तो ऐसे स्मूथली जूम स्टार्ट होगा। ये देख रहे हैं आप, स्मूथली जूम स्टार्ट हो रहा है, एकदम से स्टार्ट नहीं हुआ और लास्ट पे एकदम से स्टक हो गया। अगर हम इस पॉइंट को भी बिजियर कर देते हैं तो यहां से ईज इन कर देते हैं तो ये भी बिजियर हो गया। ये स्मूथली जूम होना स्टार्ट हुआ और स्मूथली स्टॉप हो। अगर हम इन दोनों पॉइंट को एक साथ लीनियर या बिजियर करना चाहते हैं तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहां से इसको लीनियर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये लीनियर हो चुका है। ये आप देखें, अगर रिटर्न हम इन दोनों पॉइंट्स को बिजियर करना चाहते हैं तो यहां से डायरेक्टली बिजियर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे स्मूथली स्टार्ट हुआ और स्मूथली एंड हुआ। ये जो ईज इन और ईज आउट के ऑप्शन हैं, बाजुकात आपको कुछ ऐसा करना होता है, स्टार्ट में हमें लीनियर या बिजियर रखना होता है और एंड पे लीनियर या बिजियर डिफरेंट रखना होता है, स्टार्ट कुछ और रखना होता है और एंड कुछ और रखना होता है। तो इस तरीके से आप दोनों साइडों पे मुख्तलिफ यूज कर सकते हैं। अगर दोनों साइडों पे लीनियर या बिजियर रखना चाहते हैं तो दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके आप एक साथ ही लीनियर या बिजियर कर सकते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही आप टोटल पॉइंट्स को लीनियर या बिजियर कर सकते हैं, पोजिशन, स्केल, रोटेट, एंकर पॉइंट वगैरह वगैरह, किसी भी टूल के पॉइंट को आप लीनियर या बिजियर कर सकते। इसके नीचे आपको रोटेशन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, हम किसी वीडियो को एडिट कर रहे होते हैं, कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड कर रहे होते हैं या कुछ एलिमेंट्स के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं तो उनको रोटेट वगैरह करना पड़ता है। आपको रोटेट करने के लिए आपको जाना है इफेक्ट कंट्रोल के अंदर। इफेक्ट कंट्रोल के अंदर आपको रोटेट का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं यहां पर लाके रोटेट की एक की एड कर लेता हूं। ये आप देख रहे हैं की एड हो चुकी है और यहां पर लाके एक और की एड कर दूं। मैं चाहता हूं इस की से जब वीडियो स्टार्ट हो और इस की पहुंचे तो एक दफा राउंड कर ले, तो यहां पर हम इस सर्कल को मूव करेंगे ऐसे। तो ये आप देख रहे हैं यहां पर 1x लिखा हुआ आ गया, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जैसे वीडियो पहुंचेगी तो ये एक राउंड कर ले। हम इसको पीछे लाके दोबारा से प्ले करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये एक कंप्लीट राउंड ले रहा है। इसको मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर एंड। अब ये आप देख रहे हैं एकदम से स्टार्ट हुआ और एकदम से स्टॉप हो। अब अगर मैं इस पॉइंट को ईज इन कर देता हूं, एकदम से स्टार्ट हो गए, स्मूथली स्टॉप हो जाएगा। और अगर मैं इसको भी ईज आउट कर देता हूं, ये आप देख सकते हैं स्टार्ट से भी स्मूथली स्टार्ट हुआ और एंड पे भी स्मूथली स्टॉप हुआ। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक साथ ही लीनियर करना चाहता हूं तो यहां से लीनियर कर सकते हैं, और दोनों पॉइंट्स को एक साथ ही बिजियर करना चाहते हैं तो ऐसे सिलेक्ट करके माउस से राइट क्लिक करेंगे और बिजियर के ऊपर लाके क्लिक कर, तो ऑटोमेटिकली दोनों पॉइंट हमारे बिजियर हो। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम लेफ्ट राइट साइड पे मूव कर सकते हैं। पॉइंट के ऊपर कर्सर लाके माउस से लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे और लेफ्ट राइट साइड पे मूव कर। इसके नीचे हमें मिल जाता है मास्क। आज की क्लास के लिए इतना ही, मास्क हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।